आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ना ही आपको फोटोशॉप की ज़रूरत है, ना ही पिक्सार्ट या फिर ना ही किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की। हम डायरेक्ट यहाँ पे एडिट करेंगे और ऐसा करना पॉसिबल है। आप वहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी मिसमैच होने का कोई चांस नहीं है, आप डायरेक्टली एडिट कर पाएंगे। अब किस तरीके से एडिट करना है ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने अपने कंप्यूटर में यहाँ पे वेब ब्राउज़र को ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने आधार कार्ड को आधार की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आधार की वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे डाउनलोड आधार पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन होगी। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर एंटर करना होता है और आधार नंबर एंटर करने के बाद ये कैप्चा कोड एंटर करेंगे और सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। OTP अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार जो मेरी है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये आप देखिए डाउनलोड के इस फोल्डर में ये सिंगल आधार कार्ड मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आप आधार वगैरह को अपडेट कर सकते हैं, PDF फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं, वो आप देखिए। आपको यहाँ पे ब्राउज़र में चले जाना है और यहाँ पे आप सर्च करेंगे sejda.com। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल, आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर में इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा कंप्यूटर में एडिट वगैरह करना ज़्यादा इजी होता है। तो ये sejda.com जब ओपन होगा तो यहाँ पे आपको ये अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन होगी, यहाँ पे अपलोड नाउ का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर के या फिर मोबाइल की फोल्डर वगैरह एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये आधार कार्ड इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा ये आधार को PDF फॉर्म में एडिट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने फाइल को कि आप किस फाइल को यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, आप किसी अदर डॉक्यूमेंट को भी एडिट कर पाएंगे। ओके, सिलेक्ट करेंगे, ये अपलोड हुआ। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि जब भी आप न्यू आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं आधार की वेबसाइट से तो वहाँ पे वो जो फाइल होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन मैं करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए जो आधार नंबर है यहाँ पे ये सिर्फ कुछ लास्ट की 4 डिजिट ही दिखाई दे रही है, बाकी इट दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर मुझे इसमें अपना आधार नंबर एंटर करना है, मतलब कि इसको डिलीट करके और ओरिजिनल जो मेरा आधार नंबर है वो अगर मैं एंटर करना चाहता हूँ या फिर कुछ भी अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो आप देखिए। अगर मैं यहाँ पे आधार नंबर एडिट करता हूँ तो पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रो जो है वो एक लाइन में वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पहले आप डिलीट करिए, आप बैक स्पेस दबाएंगे तो वो डिलीट होते हुए जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा ये आधार नंबर ब्लैंक हो गया है। अब अगर आपको इसमें कुछ आधार नंबर अलग से एंटर करना है तो वो आप कैसे एंटर करेंगे, तो आप नॉर्मली जो भी आपका आधार नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। ये देखिए ऐड हो गई, यहाँ पे जो बैक साइड का पोर्शन है ये आधार का, इसमें भी हम एडिट कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी तरीके से अगर आप नाम वगैरह भी एडिट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे अपने नेम पे सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो अपने आधार में एड्रेस वगैरह को भी बहुत ही आसानी से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे एड्रेस पे यहाँ पे जो भी टाइप है इस पे बस क्लिक करना है और एड्रेस आप यहां से डिलीट करके और बहुत ही आसानी से जो मन करे वो आप कर सकते हैं। तो यहां पे इस तरीके से अपने आधार को एडिट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये PDF फॉर्म में होगा, आपको ना ही फोटोशॉप की ज़रूरत है, ना ही पिक्सार्ट या फिर ना ही किसी अदर एप्लीकेशन की। ठीक है, आप डायरेक्टली PDF फॉर्म में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी एडिट कर पाएंगे।
ठीक है। तो जरूरत पड़ने पे अगर आप भी कुछ अपने आधार में एडिट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एडिट कर पाएंगे, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस को यूज़ करके आप भी अगर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं, नाम या फिर टेक्स्ट वगैरह, एड्रेस वगैरह कुछ भी, तो वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको फाइल फॉर्मेट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। बस मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि थोड़ा सा जूम इन या फिर जूम आउट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और कंप्यूटर वगैरह में आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो बस सेम प्रोसेस है, बाकी कुछ अंतर नहीं है, आप बहुत ही आसानी से एडिट कर पाएंगे। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।